शंभू बॉर्डर पर कई दिनों से धरने पर बैठे किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई भी बात का हल नहीं निकला। गुरनाम सिंह चंदूनी के आह्वान पर इंद्री में किसानों ने हरियाणा के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर किसान भवन से लेकर इंद्री मेन बाजार से होते हुए मटक माजरी तक काफी संख्या में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का समापन इंद्री रेस्ट हाउस पर किया। किसानों ने कहा कि यह ट्रैक्टर मार्च अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया है, अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो प्रदेश भर से किसान शंभू बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी किसान शंभू बॉर्डर पर ही धरने पर रहेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय कम्बोज की रिपोर्ट। कहना चाहिए आज हम ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, क्योंकि पूरी इंद्री में हम घूमेंगे, तहसील में जाके अपना रुकेंगे, और कल एक महापंचायत है हमारी, उसमें जो भी हम क्या नाम अपना जिला प्रधान पूरा राष्ट्रीय प्रधान जो गुरनाम सिंह चंदूनी जी जो फैसला लेंगे उसके बाद आगे देखो। तो कल से निर्णय हो जाएगा। हाँ कल निर्णय। आज ट्रैक्टर मार्च रोस जो है वो हर तहसील में हरियाणा के निकाला जाएगा। हमारा जो रूट रहेगा वो यहाँ से लेके मटक माजरी, मटक माजरी से बाजार, बाजार से घूम के दोबारा अनाज मंडी में शांति पूर्वक तरीके से किया जाएगा। बस इससे ये दिखाना चाहते हैं भाई सभी किसान सभी संगठन, अगर किसानों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो एक साथ खड़े हैं। देखिए चार पांच दिन से हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब के वो बॉर्डरों पर बैठे हैं, और ये जो सरकार है तानाशाही सरकार जालिम सरकार, उन पर बेवजह से आंसू गैस के गोले, डंडा परेड होने की तैयारी, रबड़ की गोलियां, असली गोलियां और बैरिकेटिंग इतने तकड़े लगा रखे कि क्रेन भी उनके ऊपर न कूद सकती। इन्होंने क्या किसानों को पाकिस्तान के उग्रवादी समझ लिया? रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए और सरकार का तो काम हो रास्ते साफ करना, लेकिन ये सरकार रास्ते बंद। देखिए जो किसान आंदोलन चला हुआ पिछले चार पांच दिन से शंभू बॉर्डर पर किसान रोक रखे, बड़ा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा, रबड़ की गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां, दानेदार गोलियां, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे, और उसी को लेकर एक किसान वर्ग में एक रोष था। सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी ने मीटिंग बुलाई थी, दो प्रोग्राम रखे थे, कल टोल थे 3 घंटे तक फ्री, आपने देखा सारे हरियाणा के टोल फ्री रहे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किसानों को मिला। आज पूरे हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट जो तहसील लेवल है उन पर ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, इंद्री के अंदर अपने किसान साथी इकट्ठा हो रहे, और एक गन्ना बेल्ट है, गन्ने में बिजी होने के बावजूद भी यहाँ लोग काफी संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए। और आपके चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पंजाब के और किसी भी किसान साथी को अकेला समझने की कोशिश मत करें, सभी किसान एक है, सभी किसान नेता एक। सरकार क्या कह रही है? देखिए सरकार तो गोलमोल कर रहा, सरकार तो पीछे भी 13 महीने तक हम लड़जा कर रखी हुई, पर जब तक कोई ठोस फैसला कोई अच्छा फैसला सरकार भी उसमें सहमत हो जाए, किसान लीडर भी किसान भी उसमें सहमत हो जाए, जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा तब तक किसान साथी लौट कर अपने घरों पर जाने वाले नहीं है। तो कोई और भी हरियाणा में कोई अच्छा कदम लिया जाएगा।